हाय लवलीज, मेरा नाम है आरजे महक और आप जैसे देख रहे हैं मैं मेरे हॉल में हूँ फिलहाल। और चलिए, मैं एक्चुअली आज कुकिंग ब्लॉग कर रही हूँ। मैं फ्राइड राइस बनाने का सोच रही हूँ। कैबेज, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट्स है और अनियन डालते हैं। अभी स्प्रिंग अनियन यानी कि जो हरी प्याज है वो मिल नहीं रही है क्योंकि बहुत ही गर्मी है। मैंने ही कल सुपर मार्केट में ये देखे कैप्सिकम, तो मुझे लगा चलो जो राइस है वो कलरफुल हो जाएगा। मैं जो राइस है उसे बॉइल कर रही हूँ। और चाइनीज बना रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली कुछ सॉसेस की जरूरत पड़ेगी। विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और रेड चिली सॉस। और चलिए, राइस बॉईल हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। कुरियर में एक और सब्सक्रिप्शन बॉक्स आया है और वो है रेवरी बॉक्स। बहुत ही क्यूटली पैकिंग किया हुआ है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हैंड रिटन लेटर मुझे मिला है, ये मैं संभाल के रखूंगी क्योंकि ये व्हाट्सएप एंड फेसबुक के ज़माने में पता नहीं मुझे लास्ट कब किसी ने लेटर लिखा था। ये लेस को भी हम खोलते हैं और कितना क्यूट ये स्लिंग बैग है। ओह माय गॉश, बाय द वे ये स्लिंग बैग कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, हैंडमेड आप बना सकते हैं। रेसिपीज, जो रेसिपीज भी हमें मिली और वर्षावन नाम का ये जो ब्रांड है और ये प्रोडक्ट्स के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है। 100% क्रुएल्टी फ्री, 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक हार्वेस्ट प्रोड्यूस, 100% प्योर, 100% वीगन, 100% वेजिटेरियन। केमिकल फ्री बनानी है हमें हमारी लाइफ को। चलिए, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारे हाथ में आया है वर्षावन की ओर से, द इंडियन गूसबेरी आमली का हेयर ऑयल। आमला के कितने फायदे हैं, मतलब आप देखोगे तो विश्वास नहीं होगा कि हम पता नहीं ये मिनरल ऑयल वाले और सारे फ्रेग्रेंस वाले, परफ्यूम वाले हेयर ऑयल क्यों यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ऑयल की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है पम्पकिन सीड ऑयल ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस, 100 ml इसकी क्वांटिटी है। पम्पकिन सीड है, ये कितने सारे बेनिफिट्स हैं स्किन, हेयर और ओवरऑल वेलबींग के लिए। हेयर ग्रोथ ही बढ़ाता है और स्कैल्प से लेकर सारे जो प्रॉब्लम है, इची स्कैल्प है, डैंड्रफ है, उस सब से हमें मुक्ति दिलाता है। थर्ड प्रोडक्ट की ओर, हैंड पाउंड पिंक रोज एंड चिकपी क्लेंजिंग एंड मास्क। क्या बात है, 100 ग्राम्स, बहुत ही बड़ा। देखिए सारी फुल साइज प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, क्या क्या फ़ायदे हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। पांचवा प्रोडक्ट है यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर नेचुरल। मैंने आपको जो दिखाया कि यहाँ पे रेसिपीज़ है तो उसको रिफ़र करके हम ये इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए मुल्तानी मिट्टी, कितने ब्यूटीफुल पैकिंग है इसका, वाओ। और ये देखिए ऑर्गेनिक हैंड पाउंड रोज सीड, ये है क्यूमिन से यानी कि कलौंजी, जो मैंने आपको दिखाया कि ये रेसिपीज़ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए। तो चलिए, रेवरी बॉक्स की अनबॉक्सिंग के बाद हम पहुंचते हैं फ्राइड राइस के प्रिपरेशन की ओर। यहाँ पे देखिए सारे वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर लिए हैं। कैबेज है, कैरेट है, अनियन है, कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर, और साइड में कोने में खोचे में बेचारा एकदम चुप के बैठा है लहसुन, वो उसको भी मैंने फाइनली चॉप किया है। यहाँ पे है सॉल्ट और ऑयल, ऑब्वियसली राइस भी यहाँ पे बॉइल होके रेडी है। ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है तो हम बारीक कटा हुआ जो लहसुन है यानी कि गार्लिक है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एक दो कैप्सिकम भी ज़बरदस्ती चले गए हैं अंदर, कोई बात नहीं है। और आपके पास क्रॉकरी है और वो वाइट है तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि वाइट जो प्लेट्स है, बोल्स है, वो एक ब्लैंक कैनवास का काम करता है और आप में जो आप उसमें जो भी चीज़ रखते हो वो बहुत ही सुंदर दिखती है, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिखता है। हमारे तीनों जो बेल पेपर्स हैं ना वो डालेंगे इसमें क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए। और कैबेज भी बिन बुलाए मेहमान की तरह अभी एंट्री मार ली है उसने। अजीनोमोटो है, वो चाइनीज हम बाहर खाते हैं
तो उसमें डाला जाता है, लेकिन वो बहुत ही नुकसान करता है, लाइक कैंसर तक हो सकता है। और यहाँ पे सूरत में तो स्ट्रीट फूड जो भी चाइनीज मिलता है या फिर रेस्टोरेंट्स में मिलता है, वहाँ पर अजीनोमोटो डालना बैन है। चलिए बेल पेपर्स के बाद हम डालेंगे अनियन। चलिए अनियन को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम डाल रहे हैं ये ग्रेटेड कैरेट, कैबेज भी हम डाल देते हैं। और कुकिंग करते वक्त कुकिंग पॉट से ज़्यादा पैन से ज़्यादा अगर चीज़ें आपकी भी बाहर गिरती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब उसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। आप चाहे तो सारे सॉसेज हैं वो राइस के बाद भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, डिपेंड आपकी मर्जी। सोया सॉस मेरा फेवरेट सॉस है। ये है रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। मैं राइस डालने से पहले इसलिए डालती हूँ कि थोड़े से कुक हो जाए, आप बाद में डाल सकते हो। और अब हम डालते हैं इसमें राइस। ये देखिए राइस गिरा है नीचे, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? खाना पकाओ कम गिराओ ज्यादा। चलिए अब हम डालेंगे सॉल्ट। सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, वो थोड़ा सा खारा होता है, तो हम थोड़ा सा संभालेंगे डालने में। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो अगर आपको और तीखा बनाना हो तो, फिलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ। बस चाइनीज कुक को और कुक करने की जरूरत नहीं है, बस इसे मिक्स कर देंगे और करेंगे प्लेटिंग। चलिए ये बन के तैयार है फ्राइड राइस, आप देख सकते हैं। आज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आए जिसमें मैं वीडियो के द्वारा खाना आप तक भेजूं और आपकी स्क्रीन से बाहर आके आप भी खा सके, काश। एनीवे बट ये था मेरा आज का कुकिंग ब्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रोपोसो ऐप और फ्राइड राइस की स्मेल, हाय मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बट एनीवे मेरे सारे सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एजाज महक। बस अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं टूट पड़ने वाली हूँ इस फ्राइड राइस पर।